नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द लेजी रीडर पॉडकास्ट और हम चर्चा कर रहे हैं रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई किताब द मैजिक की। और इस अध्याय में, जो कि बारहवां दिन होगा, हम लोग जादुई लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने जिंदगी में फर्क डाला। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अल्बर्ट स्विट्जर, जिनका जन्म 1875 तथा मृत्यु 1965 में हुई तथा वे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे तथा चिकित्सीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक भी थे, उन्होंने कहा है, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन और मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श दिया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य है। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो। हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। मेरी दादी ने मुझमें पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थीं। अपने इस प्रेम को मुझमें भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन तीन असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप तीन लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीन लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप तीन लोगों के
इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आपकी कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हों तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द भी लिख सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। दोस्तों, अब हम लोग जादुई अभ्यास 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। नंबर 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो दोस्तों, आई होप कि यह अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अब अगले अध्याय में, जो कि 13वां दिन होगा, उसमें हम अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदलें ये जानेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।